शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार, आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं, हम लोग शिक्षा शास्त्र विषय में शिक्षा मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। चर्चा का यह क्रम मानसिक स्वास्थ्य एवं आरोग्यता, मेंटल हाइजीन एंड मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन तक पहुँचा है। इस वीडियो में हम सिर्फ मेंटल हाइजीन मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, मेंटल हाइजीन की बात अगली वीडियो में करेंगे। जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य सबसे ही आपको ज्ञात हो जाना चाहिए, आपको पता हो जाना चाहिए कि मानसिक स्वास्थ्य का तात्पर्य मन के स्वास्थ्य से लिया जा रहा है। मन का स्वास्थ्य क्या होता है, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। यहाँ जो मन के स्वास्थ्य के संदर्भ में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जैसा कि यह सर्वविदित है कि सभी व्यक्तियों को जो कि सामाजिक उत्थान और उन्नति में लगे हुए हैं, अर्थात जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं और समाज के प्रति एक दायित्वपूर्ण व्यक्ति हैं, वे सभी इस बात से सहमत हैं कि शिक्षक किसी राष्ट्र को बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए उसे राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। वह बच्चों के व्यवहार परिमार्जन के द्वारा उनके व्यक्तित्व को आकार देता है और सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यदि किसी व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं होगा। यदि किसी का मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो निश्चित रूप से उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। आप जानते ही होंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग आपको दिखाई पड़ते होंगे जिन्हें देखने के बाद आपको तरस भी आता होगा कि यह व्यक्ति शरीर से कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन मानसिक रूप से ठीक न होने के कारण यह समाज में समायोजित नहीं है और कुसमायोजन के परिणाम स्वरूप यह एक ऐसा व्यक्ति हो गया है जिसका समाज में कोई मूल्य नहीं बचा है। मानसिक उलझनों में व्यस्त ग्रस्त व्यक्ति जो होता है, प्रायः अपने दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों से उचित समायोजन करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। सामान्यतः संसार में शारीरिक और मानसिक दृष्टि से जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, वो सफलताएं प्राप्त करते हैं, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, जेम्स वाट, स्टीफन हॉकिंग्स जैसे बहुत सारे नाम हैं जो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ थे। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे हमने स्टीफन हॉकिंग्स का नाम लिया जो कि शारीरिक रूप से स्वस्थ न होने के बावजूद भी, लेकिन उनके अंदर मानसिक रूप से इतना अधिक आत्मबल था कि उन्होंने अपने आप को समायोजित किया और समाज के लिए बहुत सारा योगदान दिया। तो कुल मिलाकर इतना सामान्य रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि संसार में सब शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ व्यक्ति ही उच्च सफलताएं प्राप्त करते हैं। इसलिए मानव जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य के समान ही मानसिक स्वास्थ्य की ओर भी अत्यंत ध्यान देना आवश्यक है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप हमेशा शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाइए। आधुनिक मनोविज्ञान जो और चिकित्सा शास्त्र ने मानसिक विसंगतियों को पहचानने, उनका कारण खोजने तथा उनको दूर करने के उपायों में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त की है। वर्तमान में मानसिक स्वास्थ्य को शारीरिक स्वास्थ्य से अधिक महत्व देने की बात कही गई है। माना जाने लगा है कि शारीरिक अस्वस्थता केवल अपने लिए परेशानी के कारण बनती है, जबकि मानसिक अस्वस्थता संपूर्ण समाज के लिए परेशानी होती है। जैसे कोई व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ है लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाता है तो वह समाज के लिए भी परेशानी का कारण बन जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में बालकों के मानसिक स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। वास्तव में बालकों के सर्वांगीण विकास को तभी लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है जब शारीरिक तथा मानसिक दोनों दृष्टि से वे स्वस्थ होंगे। शारीरिक स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वास्थ्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसीलिए शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य को एक दूसरे का पूरक भी कहा जाता है। आपको ज्ञात ही होगा, शिक्षा की प्रक्रिया का संबंध बालकों में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व नैतिक विकास से ही है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक अपने विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास के पथ की दिशा में ले जाने में सक्षम होता है। इसलिए शिक्षक शिक्षा के जिज्ञासुओं को अपने व्यवसाय यानी अध्यापन में सफलता प्राप्त करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य के प्रत्यय को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। इस तरह समझने के लिए हमें मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को समझना होगा। मानसिक स्वास्थ्य के अर्थ को समझने के लिए हमें पहले मानसिक स्वास्थ्य की कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को देखना होगा, जिसमें हम सबसे पहले लैंडले के अनुसार दी गई परिभाषा को समझते हैं। उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन करने की योग्यता है। आप ध्यान से समझिए इस बात को। लैंडले ने कहा कि जो मानसिक स्वास्थ्य है उसका अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण के साथ उचित समायोजन किया जाना चाहिए।
अगर उचित समायोजन की योग्यता हो गई है तो मानसिक स्वास्थ्य है। हैंडफील्ड के अनुसार, दूसरे मनोवैज्ञानिक हैंडफील्ड थे, उन्होंने कहा कि सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व की समन्वित क्रियाशीलता है। अर्थात मानसिक स्वास्थ्य जो है वह संपूर्ण व्यक्तित्व, व्यक्तित्व में आप जान ही गए, साइकोफिजिकल सिस्टम आ गया, पूरा उसका शारीरिक प्रणाली, मानसिक प्रणाली, उसका एक समन्वित क्रियाशीलता है। यानी जब तक शारीरिक क्रिया प्रणाली सही नहीं रहेगी, मानसिक क्रिया प्रणाली भी साथ नहीं देगी। इसी संदर्भ में जॉनसन, सुटन और डेवस्टर की परिभाषा भी उल्लेखनीय है। उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जीवन का एक सकारात्मक परंतु सापेक्षिक गुण है। ध्यान दीजिएगा, मानसिक स्वास्थ्य क्या है? जीवन का एक सकारात्मक परंतु सापेक्षिक गुण है। यह वह दशा है जो ऐसे औसत व्यक्ति की विशेषता होती है जो अपनी सामर्थ्य तथा सीमाओं के आधार पर जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ध्यान से इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारा शोध करके परिभाषाएं दिया है। इस जो लू जॉनसन, सुटन और वेबस्टर की परिभाषा, इसको मैं फिर से समझाना चाहूँगा। उनके अनुसार मानसिक स्वास्थ्य जीवन का एक सकारात्मक परंतु सापेक्षिक गुण है। यह सकारात्मक है परंतु सापेक्षिक गुण है, निरपेक्ष गुण नहीं है, यह सापेक्षिक गुण है। यानी शारीरिक गुण मानसिक गुण के सापेक्ष, मानसिक गुण शारीरिक गुण के सापेक्ष, तो मानसिक स्वास्थ्य जो है यह शारीरिक स्वास्थ्य के ही सापेक्ष होता है। यह वह दशा है जो एक जो ऐसे व्यक्ति की औसत व्यक्ति की विशेषता है जो अपनी सामर्थ्य और सीमाओं के आधार पर जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी जो जीवन की आवश्यकताओं को अपनी सामर्थ्य और सीमाओं के आधार पूरा किया जा रहा है। उपरोक्त तीनों को परिभाषाओं के आधार का अध्ययन करने पर पता चलता है कि मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति के द्वारा समायोजन करने की योग्यता का परिणाम है। अर्थात जो मानसिक स्वास्थ्य है वह व्यक्ति के द्वारा समायोजन करने की योग्यता का परिणाम है। व्यक्ति कैसे समायोजन करता है इसकी योग्यता का परिणाम है। जब कोई व्यक्ति अपनी आकांक्षाओं, आदर्शों आदि को जीवन की वास्तविकता के अनुसार ढालता है, अपने तथा अपने परिवेश के मध्य संतोषजनक समायोजन स्थापित कर लेता है, तो उसे ही समायोजित व्यक्ति कहा जाता है। देखा जाए तो यह व्यक्ति के देखने, सोचने और करने के एकीकरण का परिणाम है। यह समझने की बात है आपको कि यह व्यक्ति के देखने यानी यह वह कैसा अवलोकन करता है परिस्थितियों का, और उस पर कैसा चिंतन करता है, और चिंतन के परिणाम स्वरूप निष्कर्ष निकाल करके वह कैसी क्रियाओं को करता है, इन तीनों के एकीकरण का परिणाम है। यानी समन्वयीकरण का परिणाम है। मनोवैज्ञानिक एकीकरण की अवस्था को अच्छे मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य का संकेत मानते हैं। यानी जितना सुंदर एकीकरण होगा उतना सुंदर मानसिक स्वास्थ्य होगा। यानी जितना अच्छा, जितना उच्च कोटि का देखना, सोचना और करना का करने की क्रियाओं का एकीकरण होगा, उतना ही अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होगा। इस अवस्था में व्यक्ति द्वंद वास्तविकता से पलायन, जल्दबाजी में निर्णय तथा स्थिर समझ जैसी क्रियाओं से या प्रक्रियाओं से या समस्याओं से दूर हो जाता है। यानी यह अगर यह व्यक्ति जो मानसिक स्वास्थ्य में की अवस्था में अच्छे स्वास्थ्य में होता है तो उसमें द्वंद नहीं होता, वह वास्तविकता से पलायन नहीं करता, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता और स्थिर समझ नहीं होती कि मैंने एक जैसी समझ हर जगह के लिए वो नहीं रखता है। ऐसी समस्याओं से वह निजात पा जाता है, मुक्ति पा जाता है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व विखंडित हो जाता है, वह स्वयं के लिए तथा समाज के लिए हानिकारक बन जाता है। आपके सामने बहुत सारे उदाहरण होंगे जिनमें शारीरिक रूप से बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्तित्व मानसिक रूप से कमजोर होने के कारण वह अपने लिए और समाज के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। इसलिए समाज के सभी व्यक्तियों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। यदि उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तभी शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और समाज के लिए उनका दिया गया योगदान भी समाज की आशाओं के अनुरूप होगा। क्योंकि समाज हम सबसे आशा करता है। जितने भी समाज के व्यक्ति हैं वह समाज के द्वारा ही बनाया गया एक कानून है, नियम कानून मानक है, उसके अनुसार हम आशा करते हैं कि हम ऐसा करेंगे। तो इस तरह से आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम मेंटल हाइजीन की बात करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है।